ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जिन लोगों का जन्मदिन 23 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन और कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है और साल के अंत में दूर स्थान पर आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका वर्ष बेहतर होगा। आज की जिज्ञासा ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुलसी का पौधा अपने घर से किसी को नहीं देना चाहिए और उपहार में भी नहीं देना चाहिए। क्या सत्य है इसका? देखिए, तुलसी को एक दैवीय पौधा, एक डिवाइन प्लांट माना जाता है। ये संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक भी है। आप सब व्यक्तियों को तुलसी का पौधा नहीं दे सकते, आप उसी को तुलसी का पौधा उपहार में दे सकते हैं या वैसे भी दे सकते हैं जो आपके लिए बहुत करीबी हो। किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे तुलसी का पौधा उपहार में या वैसे भी मत दीजिएगा। आज का महा उपाय आज के विषय का ही है। अगर मुकदमे की समस्या से परेशान हैं और मुकदमे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मंगलवार का उपवास रखना शुरू कर दीजिए। हर मंगलवार को सुबह या शाम हनुमान जी को लाल फूल की माला चढ़ाइए और रोज सुबह और रोज शाम एक मंत्र पढ़िए 108 बार, या समय नहीं है तो केवल सुबह पढ़िए। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करते जाइए, आपको मुकदमेबाजी से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, कभी भी शनिवार को मुकदमा दायर मत करिए, शनिवार को किसी भी मुकदमे की शुरुआत मत करिए। अगर आप शनिवार को मुकदमा दायर करेंगे या मुकदमे की शुरुआत करेंगे तो मुकदमा समाप्त होने में बेवजह काफी विलंब होगा। मुकदमा जहां तक हो सके सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को अगर आप फाइल करें तो बहुत बढ़िया होगा। ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो।